वेलकम स्टूडेंट्स टू इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर वन नंबर सिस्टम. आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं आपकी लास्ट एक्सरसाइज के एक्सपोनेंट्स के. सो एक क्वेश्चन जो हम आज लेकर के आए हैं, देखिएगा इस क्वेश्चन को. 5 8 to the power 1/3 प्लस 27 to the power 1/3 होल टू द पावर 3 एंड इसकी पावर अप 1/4. अब देखिएगा पूरे एक्सप्रेशन की पावर 1/4 दे रखी है. अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है सो एक बार वीडियोस को जरूर देखिएगा, तो मैं आपको आपको समझ में आएगा कि जब पावर 1/4 होती है तो हम किस तरीके से करते हैं 1/4 में, 1/3 में, 1/2 में. जब भी पावर रेसिप्रोकल के फॉर्म में हो तो देखिएगा आप पेयर्स लेते हैं. अगर आपका ये 8 की पावर 1/4 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. सो 8 क्या हो गया, 2 into 2 into 2. अब चूंकि पावर 1/3 है, पावर 1/3 है, मैं 3 का पेयर लूंगा, यहां पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2. इन 3 2 के लिए मैं 1 2 लूंगा. बात करते हैं 27 की, वहां से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. 27 से 3 से डिवाइड होता है, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 27 इज इक्वल टू 3 into 3 into 3. 1/3 है, पेयर 3 का लेंगे तो 3 3 के लिए फॉर 3 3s आई विल टेक 1 3, और ये 27 की पावर 1/3 हो जाएगा 3. तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है. अब आपको समझ में आ गया, पता चल गया कि 8 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 27 की पावर 1/3 की वैल्यू क्या होती है. वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए. जब भी आप किसी की भी वैल्यूज नहीं निकाल पाए तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, और जो भी आपको रेसिप्रोकल में दे रखा है उतने ही पेयर्स लेकर के आगे बढ़ते जाइएगा. 2 + 3, अब इसकी पावर 3 है, देखिएगा 5 × 5 की पावर 3 की पावर 4. अब यहां पर इसको करने के दो तरीके हैं. एक, यहां पर आप 5 × 5 × 5 कीजिए जो कि 125 आएगा, फिर 125 × 5 कीजिए जो कि 625 आएगा, और 625 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, ठीक है, और बताइए कि 1/625 की पावर 1/4 की वैल्यू क्या होगी. या उससे भी अच्छा एक तरीका है जो कि आपको अपने सॉल्यूशन में दिख रहा होगा. अगर आप चैप्टर को कर चुके हैं और आपने मेरी वीडियोस देखी हैं तो अब आप जानते हैं कि जब आपके बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं. बेस सेम है 5, पावर हो जाएंगी ऐड 1/3 की पावर 1/4. ये 1/4 है, यहाँ पर ये हो गए 5 की पावर 4 की पावर 1/4. अब a की पावर b द होल की पावर c क्या हो जाता था, यहां पर पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती थी. सो ये हो जाएगा 5 की पावर 4 × 1/4 जो कि हो जाएगा 5 की पावर 1. इस 4 से ये 4 पावर में कैंसल आउट हो गया और ये आ गया 5 की पावर 1 या फिर 5. जुड़े रहिएगा आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए. मिलते रहेंगे.